बाढ़ आश्रयालय है, बहुत दिन से सरकार अपने पैसा से बना कर रखा हुआ है, और बारिश के समय में जब कटा होता है बांध में, तो यहाँ कोई रख रखाव का व्यवस्था नहीं है। ये जगह उन लोगों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई सुविधा ही नहीं है, हर जगह अतिक्रमण किए हुआ है, घास भूस भैंस सब यहाँ बांध के रखता है। नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं, मैं हूं परमवीर सिंह। देखिए, बिहार में लगातार बारिश हो रही है, खास करके नेपाल के तराई इलाके में जो बारिश हो रही है, जिसके कारण उत्तर बिहार की जो नदियां हैं वो उफान पर है, कोसी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसके अलावा तमाम उत्तर बिहार की जो नदियाँ हैं वो कहीं ना कहीं खतरे के निशान पर आ गई हैं। लेकिन बाढ़ को लेकर बिहार सरकार की तैयारी क्या है, इसका एक नमूना हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये नमूना जो सामने आया है वो सहरसा जिले से सामने आया है, जहां पर बाढ़ आश्रय स्थल के नाम पर लूट खसोट की जा रही है। बाढ़ आश्रय स्थल का स्थिति क्या है, आप देखकर हैरान और परेशान हो जाएंगे कि आखिर बिहार सरकार जो बड़ी बड़ी बातें करती है, तमाम बाढ़ को लेकर दावे करती है, लेकिन असली में उसकी हकीकत क्या है, ज़मीनी स्तर पर जब आप जाएंगे तो स्थिति क्या है वो देखकर हैरान हो जाएंगे। देखिए, सहरसा से हमारे रिपोर्टर सरफराज क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, क्या कुछ बता रहे हैं, आप पहले देखिए। कोसी में हर साल बाढ़ तबाही मचाता है और बाढ़ में सैकड़ों लोगों का घर विलीन हो जाता है, और ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। लोग का घर विलीन हो कोसी नदी में समा जाने के बाद लोग घर से बेघर हो जाते हैं। ऐसे में सरकार द्वारा जो है बाढ़ आश्रय स्थल बनाया जाता है, और इस मुख्यमंत्री राहत कोष से निर्मित बाढ़ आश्रय स्थल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नवहट्टा का ये इलाका है और नवहट्टा के चंद्रायन में ये बाढ़ आश्रय स्थल बना हुआ है। अंदर की भी हम तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन बाढ़ आश्रय स्थल के पहले इस बाहरी हिस्से की तस्वीर देख लीजिए आप, किस तरह से जो भवन है वो कहीं ना कहीं जो है बाहरी हिस्से में है वो जर्जर हो चुका है। और अंदर की भी हम तस्वीर दिखाएंगे कि बाढ़ आश्रय स्थल की अंदर की क्या स्थिति है, क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। तो अंदर की स्थिति देखिए, घास भूसे से ये बाढ़ आश्रय स्थल जो है वो भरा हुआ है। बाढ़ आश्रय स्थल के अंदर देखिएगा आप तो घास भूसे रखी हुई है, और ऐसे में जो एक तरफ जिला प्रशासन लगातार जो अधिकारियों दावे कर रही है कि बाढ़ आश्रय स्थल को दुरुस्त किया जा रहा है, तो दूसरी ओर जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने ही पिछले दिनों जो है अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया था कि बाढ़ आश्रय स्थल जो भी प्रखंड में बना हुआ है उसे आप दुरुस्त कर ले, क्योंकि बाढ़ के समय में बाढ़ आश्रय स्थल का काम पड़ता है, लोगों को यहाँ ठहराया जाता है, जिन लोगों का घर जो है बाढ़ में समा जाता है, जो बाढ़ प्रभावित इलाकों में जो लोग आते हैं जहाँ बाढ़ तबाही मचाती है वहाँ के लोगों को जो है इस बाढ़ आश्रय स्थल में रखा जाता है। और ऐसे में यहाँ की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं दयनीय हो चुकी है। यहाँ पर स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। देख रहे हैं कि पूरा घास भूसा ये बाढ़ आश्रय स्थल में भरा हुआ है, क्या व्यवस्था लग रहा है आपको यहाँ पर? और ये बात सही है, यहाँ पे बहुत हर चीज़ की दिक्कत है, और यहाँ पे टूट फूट बहुत होता है, और कोई देखभाल वाले नहीं है, कोई देख रेख नहीं करता है यहाँ, कोई नहीं, यहाँ मुखिया सरपंच कोई नहीं देख रहा होता है। अच्छा ये बताइए, अधिकारी अभी तक आए हैं यहाँ पर देखने के लिए? नहीं आया है अभी तक, कोई ना आया है, कोई नहीं आया देखने? नहीं जी। तो क्या लगता है, जिस एक तरफ जो कटाव तेज हो चुका है, बाढ़ तबाही मचा रहा है, लोग घर से बेघर हो रहे हैं, तो ये लगता है कि ये व्यवस्था ठीक रहेगा उन लोगों के लिए? नहीं होगा, ये इसमें एडजस्टे नहीं होगा, और जगह भी सही सेपरेट है नहीं। अच्छा। और कोई देखने वाले है नहीं, साफ सफाई नहीं है, और बगल में हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का जाके देखिए, हॉस्पिटल भी कोई देख रहा है? बाढ़ आश्रयालय है, बहुत दिन से सरकार अपने पैसा से बना कर रखा हुआ है, और बारिश के समय में जब कटाव होता है बांध में, तो यहाँ कोई रख रखाव का व्यवस्था नहीं है, कोई पदाधिकारी यहाँ देखने के लिए नहीं आता है।
तो क्या लगता है ऐसी परिस्थिति में जब बाढ़ एक तरफ तबाही मचाया हुआ है, लोग घर से बेघर हो रहे हैं, तो ये जगह ठीक रहेगा उन लोगों के लिए? आपको ये जगह उन लोगों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई सुविधा ही नहीं है, हर जगह अतिक्रमण किए हुआ है, घास भूस भैंस सब यहाँ बांध के रखता है। अच्छा, यहाँ सुविधा नहीं है इसीलिए, मतलब देख रहे हैं कि घास भूसा पूरा भरा हुआ है, तो यहाँ पर जो है व्यवस्था ठीक नहीं, क्या लाइट वगैरह सब भी नहीं लगा हुआ है? कुछ भी नहीं लगा हुआ है, यहाँ अतिक्रमण किया हुआ है तो कौन लगाएगा लाइट उठ? सरकार यहाँ देखने के लिए आता ही नहीं है, कोई पदाधिकारी भी नहीं आता है। उम्मीद लगता है कि ये ठीक हो पाएगा, प्रशासन इसको ठीक कर पाएगी? अब देखिए, लगता तो नहीं है, लेकिन आप पदाधिकारी जाने। पदाधिकारी, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अली अहमद। चलिए देखिए, एक बार फिर हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस तरह से, देखिए घास भूसे इसे जो है बाढ़ आश्रय स्थल में भरा हुआ है। एक तरफ जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दे दिया है, कड़ी शब्दों में जो है संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, जिन जिन इलाके में बाढ़ आश्रय स्थल है उसे आप दुरुस्त कर लीजिए, उसे ठीक कर लीजिए, क्योंकि बाढ़ के समय में यह काम आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है वो यहाँ पर नहीं दिख रही है, जो यहाँ पर सफाई होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं दिख रही है, जो कार्रवाई होनी चाहिए वो यहाँ पर जो है वो नहीं दिख रही है। और बाहरी की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे किस तरह से, देखिए गंदगी यहाँ पर, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, और जो गंदा है जो यहाँ पर देखिएगा, घास भूसे भरा हुआ है, रखा हुआ है, और कहीं ना कहीं साफ सफाई जो है वो नहीं हो पाई है, जिस कारण जो है कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लोगों को रखा जाएगा उसे भी कभी कई तरह की परेशानी होगी, कई तरह के दिक्कतों का सामना लोगों को जो है करना पड़ सकता है। और ऐसे में जो जिला प्रशासन जो दावे कर रही है वो कहीं ना कहीं वो दावे यहाँ पर फैल नज़र आ रही है। जो बाढ़ आश्रय स्थल की हमने तस्वीर दिखाई, ये नवट्टा का ये तस्वीर है, चंद्रायन में ये बना हुआ है, और जिस तरह से नवट्टा में के ऐसे दर्जनों पंचायत है जो बाढ़ प्रभावित इलाकों में आता है, और साल बाढ़ तबाही मचाती है, लोग जो है घर से बेघर हो जाते हैं, तो इस परिस्थिति में जो बाढ़ आश्रय स्थल की जो तैयारी होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं, इस बाढ़ आश्रय स्थल की जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही है। देखिएगा आप, दरवाज़ा भी टूटा हुआ है, मतलब टूटने के कगार पर है, और जो सफाई है वो यहाँ पर नहीं दिख रही है, गंदगी का यहाँ पर अंबार पहले से ही लगा हुआ है। ऐसे में जो अधिकारियों को निरीक्षण करनी चाहिए, सफाई को लेकर जो सख्त कदम उठानी चाहिए वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लापरवाही है प्रशासन की वो यहाँ पर दिख रही है। तो आपने देखा कि सहरसा से सरफराज आलम ने ये जानकारी दी कि किस तरह आश्रय स्थल के नाम पर लूट खसोट हो रहा है, और आश्रय स्थल के अंदर लोग मवेशी बांध रहे हैं, और उसकी जो स्थिति है काफ़ी जर्जर है। डीएम ने आदेश दिया था कि इसे ठीक कर लिया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी जो वहाँ के अधिकारी हैं वो नहीं जगे हैं, और इसका जो खमियाजा है वहाँ के बाढ़ पीड़ितों को झेलना पड़ेगा, क्योंकि सहरसा ज़िले में जो बाढ़ की स्थिति है वो धीरे धीरे करके बन रही है, और कोसी खास करके खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों को अब परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बिहार सरकार के तमाम दावे जो हैं वो फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरहाल, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।